बाबूलाल मरांडी सिंधरी विधानसभा में संकल्प यात्रा करेंगे और उसकी तैयारी को लेकर भाजपा के सिंधरी विधानसभा के सभी प्रतिनिधि सभी कार्यकर्ता अभी मौजूद हैं। तो इन लोगों से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के सभी से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है। बाबूलाल मरांडी सभी सारी को आ रहे हैं। तैयारी को लेकर अभी देखिए सिंधरी विधायक की पत्नी तारा देवी है, सामने देखिए वो घनश्याम ग्रोवर जी हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य और भाजपा नेता धर्मजीत सिंह जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं वो भी यहाँ मौजूद है और मंडल अध्यक्ष भी यहाँ शामिल है। सबसे एक एक करके हम लोग पूछेंगे कि क्या तैयारी है और कितने लोग जुटेंगे और क्या इनका मकसद है संकल्प यात्रा का। पहला स्टार्टिंग कर लेते हैं तारा देवी जी, क्या तैयारी है? सिंधरी विधानसभा क्षेत्र बलियापुर प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल मैदान में इनकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। लगभग इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और 2 दिन का समय है, इसमें कर लिया जाएगा। पूरे सिंधरी विधानसभा क्षेत्र से पूरे जोश के साथ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, सभी मंडल अध्यक्षगण हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोर तोर से अपना मेहनत भी कर रहे हैं। सभी जगह जगह जाकर सभी को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम को जो संकल्प बाबूलाल मरांडी जी का जो संकल्प यात्रा है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा क्योंकि तो बलियापुर हाई स्कूल ग्राउंड में होने जा रहा है, पूरे जोरदार तरीके से किया तो जाएगा। इसमें कितने लोग जुटेंगे और क्या माने आप लोग जुलूस वगैरह भी निकालेंगे क्या? देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र से हर मंडल से सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने मंडल से अपने अपने गांव से पंचायत से सभी अपने भीड़ जुटा कर लेकर आएंगे और ये ग्राउंड जो हाई स्कूल ग्राउंड है तो उसमें जितना लक्ष्य लिया गया है टारगेट है भीड़ का उससे कहीं ज्यादा ही होगा कि कम नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया, आप क्या कहेंगे? आप महिला है, चलिए ये तो मैं यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ क्योंकि आधी आबादी का जो मांग था ये राज्य और देश में महिला को सम्मान दिया गया है। इसके लिए जितने भी सांसद महोदय हैं मैं सबको तहे दिल से बधाई देती हूँ कि बहुत अरसे से बहुत लंबे समय से इसका ये चल रहा था कि महिलाओं को हक मिलना चाहिए, जो आज पारित हुआ। आज पूरे देशवासी खुश हैं, खास करके तो हमारे जितने भी महिलाएं बहन है सबको अपना हक मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे चले हम धर्मजीत जी से बात कर लेते हैं, प्रदेश के नेता हैं और सिंधरी विधानसभा के नेता भी हैं, क्या कहेंगे? को बाबूलाल जी आ रहे हैं, क्या कुछ संकल्प लेने जा रहे हैं? संकल्प की जरूरत है जो झारखंड में कि भ्रष्टाचार का खात्मा के लिए हम लोग आज बाबूलाल जी ने पूरे प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में संकल्प यात्रा के बहाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्साह भरने का जो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम सिंधरी में ऐतिहासिक होने जा रहा है। बाबूलाल मरांडी उसी जगह से संकल्प यात्रा किए जहां से संथाल प्रगणना है, भगनाडी से शुरू किए थे, अब पूरे राज्य में आज बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा कर रहे हैं। देखिए 81 विधानसभा में ही सारा चीज आता, संथाल आता, छोटनागपुर आता है और उसी के तरह से पूरे 81 विधानसभा में ये सभा होनी है और जिसके निमित्त 26 तारीख को यहाँ पर सिंधरी विधानसभा में ये संकल्प यात्रा कार्यक्रम रखा गया है और इस पे खासकर पूरे सिंधरी विधानसभा से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आने वाले दिनों में सिंधरी विधानसभा का दिशा दशा को तय करेगा। भाजपा को संथाल परगना में ज्यादा टारगेट दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं संथाल परगना में देखा जाता है कि भाजपा कमजोर है। कमजोर कहीं नहीं है और पूरे राज्य में जब हम बोले चला रहा है तो पूरे राज्य को मजबूत करने की बात आ रही है, किसी संथाल परगना की बात करने की बात नहीं आ रही है, पूरे राज्य को मजबूत करना। धर्मजीत जी आप शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या 26 को? एक एक कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर कोई व्यक्ति को शक्ति प्रदर्शन नहीं करने जा रहा है, एक एक कार्यकर्ता करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई शक्ति प्रदर्शन के मैंने यहाँ कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम है लोगों को उत्साहित करने का, लोगों को जो आज हेमंत सरकार जो भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का, इसमें कोई शक्ति मनेती करने का कोई बात नहीं है इसमें। केंद्र में जिस तरह से विपक्ष में राहुल गांधी है उस तरह भारत जोड़ो यात्रा वो किए थे, उसी तरह बाबूलाल मरांडी भी विपक्ष में है झारखंड में और वो भी संकल्प यात्रा कर रहे हैं। देखिए संकल्प यात्रा कर रहे थे आप सब देख सकते हैं कि पूरे राज्य में अभी तक जहां कार्यक्रम हुआ
किस तरह से कार्यकर्ता के साथ साथ वहाँ के जनमानस भी उत्साहित हैं, ये आप देख रहे, भली भांति देख रहे हैं। ये कड़ी है, पार्टी का एक कार्यक्रम है, उस पार्टी कार्यक्रम के लिए हम सभी कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। अच्छा, का अनुमान क्या कुछ है? भीड़ का अनुमान था हम बता रहे, भीड़ का अनुमान होता है कि सीमित रहता था, एक एक कार्यकर्ता एक एक सब लोग लगे हुए हैं, मतलब मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक। सिर्फ कार्यकर्ता ही इसमें जुटेंगे कि जनता भी जुटेंगे? अरे कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं जनता का ही रूप है भाई, और कार्यकर्ता के बहाने ही जनमानस यहाँ जुट सकती है। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा रहेगा कि रोजगार का भी मुद्दा रहेगा? रोजगार का तो मुद्दा रहेगा, यहाँ पर तो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर ना कोई सुरक्षित नहीं झारखंड में, और आए दिन देखते घटना घट रही है, कोयला चोरी लोहा चोरी में पूरा लोग मतलब लगा हुआ है। तो बलियापुर में भी तो खुलेआम कोयला चोरी हो रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? इस पे आप जो इस राज्य का जो कर्ता धर्ता जो समझ रहे हैं, यहाँ का जो प्रशासन, आप उससे सवाल ये कर सकते हैं, हम लोग के सरकार में इस तरह का काम नहीं होता। बाबूलाल जी कुछ दिशा निर्देश दिए हैं क्या 26 तारीख को लेकर? देखिए हम तो कह रहे, बाबूलाल जी पार्टी का दिशा निर्देश हम लोग को है, और उसी के निमित्त संयोजक बनाए गए हमारे इस कार्यक्रम के, हमारे बड़े भाई जिला के उपाध्यक्ष घनश्याम गोबर जी। घनश्याम जी जी बताइए, तैयारी है? रात को भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता इसमें अपना जी जान लगाकर पूरा मेहनत से तैयारी कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया और वृहद हो, और ये कार्यक्रम पूरे राज्य में हो रहा है, सभी विधानसभाओं में हो रहा है, और जहाँ सिद्धू कानू का जन्म हुआ था उस स्थान से इस यात्रा को शुरू की गई, सब जगह हो रहा है, ठीक है। लेकिन सीनरी विधानसभा में कुछ खास आप लोग करने जा रहे हैं, जैसे धर्मजीत जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा, तारा देवी जी भी बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सारे कार्यक्रम क्या अलग करने जा रहे हैं आप लोग? विधानसभा से क्या कुछ अलग रहेगा? देखिए, एक तो पहला तो ये तात्पर्य है कि हमारे सारे कार्यकर्ता भी इसमें जुटे, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, और उनके सहयोग से जनमानस को भी यहाँ लाना चाहते हैं, ताकि लोगों को जो यहाँ की समस्या है, जो आज लूट खसोट हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बालू गिट्टी कोयला सब चोरी हो रहा है। तो आपके सामने तो कोयला चोरी हो रहा है, निश्चित एक बार आप तो गाड़ी पकड़ के फिर शांत हो गए? जी नहीं, हम लोगों ने जो गाड़ी किया वो गाड़ी आज भी थाना में सड़ रही है, अब एक नहीं दो तीन गाड़ियां पकड़ी गई है। और गाड़ी क्यों नहीं सड़ रहा है? निश्चित रूप से देखिए, ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है, यहाँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग का भी नहीं सुना जा रहा है, किसी का नहीं सुना जा रहा है, हम लोग तो जितना हो अपने तरफ से कर रहे हैं, ये तो जब तक जो आका बैठे हुए हैं राज्य में उनका निर्देश नहीं होगा, खुलेआम सरकार कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उनका पूरा सैंक्शन है, एसपी का पूरा सैंक्शन है, तब ये घटना यहाँ घट रही है। घनश्याम जी, आप लोग कुछ दिन पहले हरल में 2 दिवसीय धरना दिए थे रोजगार को लेकर, कितने लोगों को रोजगार दिलाए आप लोग? उस समय में वार्ता चल रही है, और आज 2 महीना बीत गया, अभी तक वार्ता ही चल रहा है। बिल्कुल वार्ता, कुछ लोगों को उसमें लिया गया है, लिस्ट है आपके चल रही है, लिस्ट मेरे पास नहीं है। किसके पास? ये जो हमारे, क्या आप इस क्षेत्र के नेता हैं? नहीं नहीं, ये भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया था, उनसे ये भाजपा ने किया था? नहीं नहीं, हम लोग का सहयोग था, ये भारतीय मजदूर संघ द्वारा ये धरना का कार्यक्रम किया गया था, भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से समर्थन कर रही है। आपका बलियापुर में क्या बोलिएगा? बोलता रहो कि प्रशासन का मिली भगत से हो रही है, सब मिले हुए हैं इसमें, फिर आप लोग ढीला छोड़ दिए? हम लोग ढीला नहीं छोड़े हुए, हम लोग कड़ाई के साथ लगे हुए हैं, और इस बार मुद्दा उठा रहे हैं, अब बाबूलाल जाएंगे ये मुद्दा पुनः उठेगा, माने कोयला चोरी का मुद्दा 26 को उठेगा, निश्चित रूप से उठेगा। रोजगार को लेकर जो हर बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर खोले हैं उसको लेकर चर्चाएं होगी? निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये तो यहाँ का जनमानस का जरूरत जो है वो जरूर बात रखेंगे अपने पास, मान भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा साथ में कोयला चोरी का भी मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा, 26 को रहेगा। रंजीत भैया, सदन से महिला आरक्षण भी बिल पास हो गया, क्या कुछ कहेंगे? स्वागत योग्य कदम है ये तो आपने कहा है कि मैंने इसका पूरा देश स्वागत कर रहा है, और निश्चित तौर पर होना चाहिए, महिलाओं को भागीदारी बढ़नी चाहिए, तभी हमारा देश और सजग होगा और आगे बढ़ेगा। रात को भी पूरा घूम रहे हैं आप?